Learners, assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home, taking care of your health. Dear learners, कल हम पढ़ रहे थे जेंट के बारे में, आज इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट हम उठाएंगे. तो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका बच्चों, जेंट में भी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स. जेंट में भी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स हम जैसे लिखेंगे अवॉइड, अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट. ये जो है इनके बाद हमें आईएनजी लगाना है. क्या लगाना है? ये जो वर्ड है इसके बाद हमने आईएनजी लगाना है. यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, है ना. यू शुड अवॉइड राइटिंग. यू शुड अवॉइड डांसिंग. कोई भी चीज हम किसी को हम क्या करते हैं, अवॉइड करेंगे. तो जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, यू शुड अवॉइड राइटिंग, डांसिंग, या कुछ भी लगाएंगे हम. जब हम इसको अवॉइड के बाद प्लस आईएनजी हम ये लगाएंगे इसके बाद, तो ये हमें क्या बन जाएगा? जे बन जाएगा. इट इज नो यूज क्राइंग नाउ. तो बच्चों, अब हमारे पास आ गया यहां पे, जैसे हम यूज करेंगे यहां पे सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस इज एन, एम, और आ जाएगा आर, वाज, वेयर, वेयर. ठीक है ना. यहां पे ये जो हम लिखेंगे एन के साथ हमें यूज करना है टू. क्या करेंगे हम? यूज टू, ठीक है ना. टू का इस्तेमाल हम करेंगे. जैसे हम लिखेंगे एडिक्टेड टू, एडिक्टेड. लिखेंगे एकस्टम, ठीक है ना. हैबिचुअल, हैबिट टू. लिखेंगे यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है. इसमें क्या आता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है. इसको बोलते हैं वी फोर, वी फोर. तो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे आई एम यूज टू taking tea. I am part of my next example में आपको दूंगी. He is habituated to taking tea. He is, उसको आदत है, habituated to taking tea. करते हैं infinite, इसको हम बोलते हैं infinite verb. ठीक है ना. इसका इस्तेमाल होता है जब हम इसके साथ plus ing लगाएंगे तो क्या बन जाता है? जर्न बन जाता है. जैसे हम यहां पे लिखेंगे, यहां मैं और वर्ड लिखती हूं आपको समझाने के लिए. यहां पे माय, आवर, हर, हर, राम, फेस का भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो वर्ड मैंने लिखे यहां पे, इनको बोलते हैं पोसेसिव वर्ड, एडजेक्ट. इनको बोलते हैं पोसेसिव वर्ड. ये नाउन जर्न है बच्चों. क्या है ये नाउन जर्न? नाउन है. और क्या है? जैसे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पे बताऊंगी, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, या आई अप्रिशिएट राम सिंगिंग. तो ये चीजें हैं. मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी जिसको हम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? जर्न हो जाएगा. इट्स क्लियर टू यू? तो ये जो कंसेप्ट थे थोड़े से ये मैंने आपको बताए, ये जर्न की को क्लियर करने के लिए, ये है क्या, इसको कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, और फाइनिट वर्ब और इनफाइनिट वर्ब किसे बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है और ये कहां से आया है. इसके बाद बच्चों, अब हम आगे कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे इसी के मतलब, जर्न के मतलब. अब हम, मुझे लगता है, अच्छे से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे. ओके, नाउ टेक केयर.